सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 14। मिनिमम कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर देखना है अब हमें। क्या चीज़ देखनी है? मेन जो टॉपिक यहाँ का है कि मिनिमम कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में कितनी होगी। जनरल इक्वेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज सबको पता है, सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। भाई मास एक्शन लॉ, एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर और पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन। तो ये हम काफ़ी बार यूज कर चुके हैं इक्वेशन टू। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, विद हेल्प ऑफ इक्वेशन वन एंड टू हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर द केस ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी की जगह हमने रख दिया एन आई स्क्वायर अपॉन एन क्यू म्यू पी। दिस इज इक्वेशन थ्री। अब बात कर रहे हैं हम मिनिमम मैक्सिमम की, तो मिनिमा एंड मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा। उसको रिवाइज कर लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन दी है, आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, उससे जो वैल्यू आपको आएगी उन वैल्यूज़ पे या तो फंक्शन आपका मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो उसको भी चेक करने के लिए कि किस पे क्या है, आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और उस डबल डेरिवेटिव का देखेंगे वैल्यू, अगर वो जीरो से कम है तो मैक्सिमा होगा उस वैल्यू पे। मतलब आपने एक्स की जगह एक्स वन रखा और वैल्यू जीरो से कम आई तो एक्स वन पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है, और अगर आपने एक्स की जगह एक्स टू रखा, एक्स टू पर हमारा ग्रेटर आया जीरो से, मतलब उल्टा होता है, ग्रेटर आया तो मिनिमा मिलेगा उस पॉइंट पे। तो मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है, तो मिनिमा मिलने के लिए हमें बड़ा होना पड़ेगा, जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो बड़ी होनी पड़ेगी। तो इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एन डी सिग्मा अपॉन डी एन। एक बार डिफरेंशिएट किया ये आया, उसके बाद इसको इक्वेशन फोर लिख लिया हमने, अगेन डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट किया, तो ये हमें किस इस तरीके का मिला, ये पॉजिटिव वैल्यू मिली और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये जीरो से बड़ी होगी क्योंकि उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अभी जीरो से बड़ी होगी मतलब हमको इसी पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, दिस शोज प्रिंसेंस ऑफ मिनिमा। तो अब इसी इक्वेशन फोर को उठाते हैं, जो हमारा ये वाला था, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था डी सिग्मा बाई डी एन। तो इक्वेशन फोर को उठाते हैं, डी सिग्मा बाई डी एन उठाया हमने, इक्वल टू जीरो रखा, इसको सॉल्व किया तो म्यू एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर म्यू पी अपॉन एन स्क्वायर आया, जिससे हमारा पहला सॉल्यूशन निकल के आया वो क्या है, एन इजकल टू एन आई रूट म्यू पी बाई म्यू एन। ओके, ये पहला सॉल्यूशन निकल के आया। एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द सेमी कंडक्टर वेन कनेक्टिविटी इज मिनिमम इरिस्पेक्टिव ऑफ एन टाइप और पी टाइप। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्सप्रेशन से आप चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, आप इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मतलब स्मॉल एन दोनों के लिए निकाल सकते हैं, ये एप्लीकेबल दोनों के लिए होगा। तो कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट चेक किया कि हम जिस पॉइंट पे देख रहे हैं मतलब हमें केवल मिनिमा ही मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो डी सिग्मा बाई डी एन को जीरो के इक्वल रखा, उससे एक पॉइंट लेके आए, म्यू एन इज इक्वल टू एक पॉइंट निकल के आया और उससे हमने अपना फॉर्मूला बना लिया कि इस पॉइंट पे हमें मिलता मिनिमम, तो हमने फॉर्मूला बना लिया एन इज इक्वल टू एन के टर्म में फॉर्मूला बना लिया। ओके, फिर वही मास एक्शन लॉ से इस एन आई स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया, सॉरी एन की जगह पे हमने ये रख दिया, तो पी की वैल्यू आ गई। पी की वैल्यू आई, उसमें क्या होता है थोड़ा सा उल्टा हो गया, हमने क्या किया था यहाँ पे कर देते हैं, ये जो एन एन स्क्वायर था इसकी जगह हमने ये रखा है। ओके, इसकी जगह हमने ये रखा है, एन की जगह पे ये रखा है, तो उससे हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। तो बस इतना याद रखेंगे, अपोजिट हो जाता है, एन वाले में एन आई हमारा ऊपर म्यू पी होता है और पी वाले में, यहाँ एक साथ लिख देता हूँ दोनों को, हमारा म्यू एन बाई म्यू पी होता है, तो ये अपोजिट होता है, ये याद रखेंगे। इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि ये दोनों पे एप्लीकेबल है फॉर्मूला, अगर आपको होल कंसंट्रेशन निकालना है, पी की स्मॉल पी की वैल्यू निकालनी है, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप, आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो मिनिमम कंडक्टिविटी को अब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज को रख के, सो सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। अब हम जो भी एन और म्यू पी की वैल्यू हमने निकाली है उनको हम यहाँ रख देंगे, एन आई म्यू पी बाई म्यू एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन, ये तो वही पुराना वाला हो गया इसमें भी, और एन आई रूट म्यू एन बाई म्यू पी इंटू क्यू इंटू म्यू पी। अब ये यहाँ म्यू पी ऊपर है, ये म्यू पी नीचे, रूट में, ये सब सॉल्व हो गया हमारा, ये निकल के आया। तो फाइनल आंसर जो निकल के आया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्मा मिनिमम इज टू एन आई क्यू इंटू रूट म्यू एन म्यू पी। अब ये पी टाइप और एन टाइप दोनों के लिए
एप्लीकेबल है, तो ये वही वाली बात आ जाती है कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो फिर से बोलता हूँ, सिग्मा मिनिमम इज 2 ni³√μn(μp)। अब बात करें अगर मैक्सिमम रजिस्टिविटी की, तो मैक्सिमम रजिस्टिविटी के लिए सीधा सा पॉइंट है कि सिग्मा रो मैक्स क्या होगा, 1/ρ min के इक्वल होगा, क्योंकि रो इज इक्वल टू 1/σ, सॉरी रो मैक्स इज इक्वल टू 1/σ min, रो इज इक्वल टू 1/σ। तो बस यहाँ क्या डिफरेंस है कि ये मैक्स वैल्यू हम इधर ले रहे हैं और इधर हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं सिग्मा की। तो मिनिमम सिग्मा की मिनिमम वैल्यू हमें पता है, तो उसी का रेसिप्रोकल हमको रो की मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये हमको याद रखना है। इक्वेशन फॉर डोनर कंसंट्रेशन फॉर एन टाइप व्हेन कंडक्शन इज मिनिमम। अब हम डोनर कंसंट्रेशन की इक्वेशन निकालेंगे। डोनर कंसंट्रेशन इज फॉर ND। ND की इक्वेशन क्या होगी, जब हम बात कर रहे हैं एन टाइप की और कंडक्शन हमारा जो कंडक्टिविटी है वो मिनिमम है, तो उसी का सब, मतलब एक तरीके से जो हमने इक्वेशन निकाला है उसका सब केसेस देख रहे हैं हम कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमारा चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन से हमने निकाला, P+ND इजकल टू N+Na। हम एन टाइप की बात कर रहे हैं तो हमने Na को 0 कर दिया, क्योंकि एन टाइप के लिए ऐसा होता है। तो ये हमारा ये आया P+ND इजकल टू N, तो ND आया N-P। ओके, N-P हमने ये रखा तो हमको ये मिला Ni कॉमन रूट, क्योंकि N पहले था तो म्यू पी ऊपर पहले निकलेगा, म्यू पी बाई म्यू एन माइनस म्यू एन बाई म्यू पी। तो इसको तो मतलब 2 मिनट में हम निकाल सकते हैं इसको, यहाँ पिछले वाले अपने वहाँ से आके यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ND निकालने के लिए बस ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है कि ND इजकल टू N-P। अब फिर से बात करेंगे, सेम इक्वेशन फॉर एक्सेप्टर कंसंट्रेशन फॉर पी टाइप व्हेन कंडक्शन इज मिनिमम। अच्छा, ये क्या है, एक तरीके का रिवीजन है, नोट्स तो बने हुए हैं, नोट्स आपके पास है, बस रिवीजन है बैठे बैठे देखने के लिए। तो एक एक्सेप्टर कंसंट्रेशन हम निकालते हैं पी टाइप में और जब कंडक्टिविटी हमारी मिनिमम है तो वो क्या होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे अब हम ND को 0 कर देंगे क्योंकि पी टाइप की बात कर रहे हैं। तो पी इज इक्वल टू n+Na, तो Na क्या हो गया, P-N। अब इसको चेक करेंगे ऊपर से, वहां पे हमने क्या बात करी थी, इसको हम याद रखेंगे, इसको N-P था, तो यहाँ पे बदल जाता है, यहाँ P-N हो गया। मतलब अगर आप डोनर की बात कर रहे हैं तो डोनर किससे रिलेटेड है, N से, तो N-P करते हैं इक्वल टू। एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड है, P से, तो एक्सेप्टर मतलब Na इक्वल टू P-N, ये याद रखेंगे P-N। तो उसमें दोनों वैल्यूज रख देंगे, आपका Ni कॉमन हो गया, तो अब पी पहले है तो यहाँ पे म्यू एन पहले हो जाएगा, म्यू एन बाई म्यू पी माइनस रूट म्यू पी बाई म्यू एन। तो लगभग सेम फॉर्मूला है, बस ये आगे पीछे हो गए हैं क्योंकि P-N किया वहाँ N-P किया था। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ, एक मिनट, एनालिसिस ऑफ सेमी कंडक्टर वेन कंडक्शन इज मिनिमम। कंडक्शन जब मिनिमम होगा तो सेमी कंडक्टर हमारे जो पर्टिकुलर एन टाइप है पी टाइप है वो कैसे बिहेव करेंगे। एन टाइप के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। एन टाइप के लिए क्या होता है, एन इजकल टू Ni√μp/μn और पी इजकल टू Ni√μn/μp, ये तो ऊपर से फॉर्मूले लिखे। लेकिन मोबिलिटी जो होती है एन टाइप, सॉरी नॉर्मली हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, होल की कम होती है। सो इससे क्या समझ में आया कि हमारी जो मोबिलिटी म्यू पी ऊपर है, ओके, तो ये कम होगी, जब ये कम होगी, मान लो कि ये 2 है ये 3 है, तो ये ओवरऑल ये 0. कुछ में टर्म बनेगा, 1 से छोटा, तो n जो होगा हमारा वो p से छोटा होगा, ये यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहा। फिर से बात करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, म्यू पी जो हमारा है होल की मोबिलिटी वो कम है म्यू एन से, सपोज कि वो 2 है, सपोज मतलब मानते हैं म्यू एन 3 है, तो 2/3 इज लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 है वो मल्टीप्लाई होगा एन आई से, जो कि दोनों के लिए सेम है, एन आई सेम फॉर बोथ, तो हमारा ये वैल्यू जो आएगी n वो p से कम आएगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि n जो है वो हमारा पी से कम है, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब जब हमारा एन पी से कम है तो हमारा इसी को हम यहाँ यूज करेंगे। इससे क्या समझ में आया कि एन टाइप में हम बोल रहे हैं कि पी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वही वायलेट कर दे रहा है, कि ये एक तरीके से कैसा पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जा रहा है, ये लिखना गलत नहीं होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि पी का कंसंट्रेशन होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मिनिमम कंडक्टिविटी पे हम देख रहे हैं, ये याद रखेंगे। अब इसी को, ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया, ये तो पहला हो गया। दूसरे की बात करें तो ND की वैल्यू निकालेंगे, ND इज व्हाट, Ni, ND इज इक्वल टू, हमने ऊपर निकाला था डोनर कंसंट्रेशन के फॉर्म में, Ni√μp/μn - μn/μp।
अब वो नेगेटिव वैल्यू देगा, क्यों? क्योंकि ये जो पहली वाली वैल्यू है ये है छोटी, ये वन से कम है, ये वन से ज़्यादा है, तो वन से कम वाली वैल्यू में से हम वन से ज़्यादा वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए तो एन टाइप यूज़ किया ही नहीं जा सकता है। मतलब ये जो भी कंडीशन है इसको थ्योरेटिकली आप लिख लें, सब आपके नोट्स में लिखा होगा, कंक्लूजन क्या है कि एन टाइप को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एन डी नेगेटिव है। ऐसा कुछ भी पी टाइप के केस में नहीं होता, वहाँ पे पी बड़ा आ रहा है क्योंकि फार्मूला तो सेम था, तो पी दोनों में सेम ही कंक्लूजन है। ओके, पी बड़ा है तो हम पी टाइप को यूज़ कर सकते हैं और एन डी की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव निकल के आएगी, सॉरी एन ए की वैल्यू, यहाँ पे एन ए की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ एन डी सॉल्व किया था या एन ए सॉल्व करेंगे, एन ए में क्या होगा कि ये पहले आ जाएगा ये बाद में चला जाएगा, आपका एक्सप्रेशन ये पहले आ जाएगा ये बाद में चला जाएगा, इस हिसाब से आपका हम यूज़ कर सकते हैं, वो पॉजिटिव हो जाएगा पी टाइप को मिनिमम कंडक्टिविटी पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम कंडक्टिविटी पे हमेशा हम पी टाइप को ही यूज़ करेंगे, एन टाइप को हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो हमने एक तरफ कंडक्टिविटी बनाई है, एक तरफ हमने टेम्परेचर ड्रॉ किया है। सो इस टॉपिक में सबसे पहले हम समझते हैं ये जो हमने पहले से देखा हुआ है, हमारा ये ओल्ड डायग्राम है, ये किसके बीच में रिलेशन है, एन के बीच में रिलेशन है एंड टी के बीच में रिलेशन है, टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। हम यहां पे क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, ऑन कंडक्टिविटी। तो जब एन और टी के बीच में हमने रिलेशन देखा था तो वहां पे अगर आपको याद आ रहा हो एक होता था फ्रीज आउट पॉइंट जीरो केल्विन पे, जहां पे बिल्कुल भी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता था कंडक्शन के लिए, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने के संग थोड़ा थोड़ा सा आयनाइजेशन होता है, इसलिए हमने इसको पार्शियल आयनाइजेशन रीजन बोला है, जो पहला रीजन है टी वन से नीचे। टी वन इज अराउंड 100 केल्विन, टी सी इज क्यूरी टेम्परेचर अराउंड 400 केल्विन। तो धीरे धीरे हमारा पार्शियल आयनाइजेशन होता है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में आपका बढ़ता है एन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी। अब उसके बाद क्या आता है, एक्सट्रिंसिक रीजन आ जाता है, जहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन लगभग हो गया, ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये कंप्लीट आयनाइजेशन का पॉइंट है, तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया है, ये जो पॉइंट है ये तो फ्रीज आउट पॉइंट है, ये 100 केल्विन, दिस इज 400 केल्विन अराउंड, ये आपका कंप्लीट आयनाइजेशन का पॉइंट है, ये वाला जो मैंने एरो बनाया है। तो यहाँ पे पार्शियल आयनाइजेशन होना शुरू हुआ, कंप्लीट हो गया, इसके बाद गुंजाइश ही नहीं है आयनाइजेशन होने की, सारे जितने मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन थे होल्स थे वो सब वहाँ पे कंडक्शन में पार्ट लेने लगे। तो अराउंड 100 केल्विन से लेके यहाँ क्या लिखा है, कंप्लीट आयनाइजेशन हैज टेकन प्लेस, 100 केल्विन से अराउंड क्यूरी टेम्परेचर तक कोई भी कंडक्शन नहीं होता, इसलिए उसको एक्सट्रिंसिक रीजन बोला है। और उसके बाद फिर से इंट्रिंसिक रीजन बन जाता है कि कंडक्शन के लिए जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बची थी इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो और ज़्यादा आयनाइज हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर हमने एकदम से काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ा दिया, 400 केल्विन कर दिया, तो फिर से हमारा इंट्रिंसिक रीजन बन जाता है। और ये पहला वाला भी लगभग इंट्रिंसिक रीजन, सॉरी इंट्रिंसिक रीजन ही कहते हैं इसको, पहले वाले को, यहाँ पे पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है। तो ये हमारा ओल्ड डायग्राम था, अब आते हैं हम अपने अभी के डायग्राम पे। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन केल्विन के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है, जीरो केल्विन से टी वन, टी वन इज अराउंड 100 केल्विन, टी सी इज अराउंड 400 केल्विन, तो पार्शियल आयनाइजेशन रीजन, रीजन तो वही रहेगा, पार्शियल आयनाइजेशन रीजन क्या होगा, शुरू में तो इस रीजन में कंडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी, मतलब इसमें तो कोई इक्वेशन देखना वाली कोई बात ही नहीं है, तो कंडक्टिविटी हमारी यहाँ बढ़ेगी ही बढ़ेगी स्ट्रेट लाइन की तरीके से। लेकिन जब हमारा टी वन पे पहुँचता है टेम्परेचर, 100 केल्विन के अराउंड पहुँचता है, जब हमारा आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, तो वहाँ पे ये जो लैटिस स्कैटरिंग वाला हमारा रिलेशन था, म्यू इज़
प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस थ्री बाई टू, मतलब म्यू जो है, और यहां पे हमें यह पता है कि सिग्मा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, क्यों? सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन, एन टाइप के केस में एन हमारा एन डी हो जाता है, ये एन डी हो जाता है एन डी क्यू, और ये कॉन्स्टेंट है, एन डी क्यू कॉन्स्टेंट है, वैल्यूज है असल में ये, तो म्यू एन जो हमारा है तो सिग्मा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एन। अब इसका क्या मतलब है कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा सिग्मा कम होगा, कहाँ पे? एक्सट्रिंसिक रीजन में, जहाँ पे लेटेस्ट स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है, जो कि टेम्परेचर बढ़ने पे ही होता है। तो इस रीजन में क्या होगा, हमारा ये ग्राफ गिरेगा, ये ग्राफ हमारा ऐसे गिरा है, ये ग्राफ हमारा गिरेगा, और ये कब तक गिरेगा? क्यूरी टेम्परेचर तक गिरेगा। अब फिर सीधी सी बात है, देखो तो यहाँ पे नो आयनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद देख रखने के लिए, यहाँ पे कोई आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत आयनाइजेशन होगा, तो जब आयनाइजेशन होगा तो फिर से हमारा इंट्रिंसिक रीजन आ जाएगा और उस रीजन में फिर से ग्राफ पड़ेगा। तो सिग्मा का ग्राफ और टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, पहले और तीसरे रीजन तो हमारे लगभग सेम है, और ये ओल्ड डायग्राम है, ये एन और टी का ग्राफ है, पहला और ये पहला और तीसरा रीजन तो लगभग सेम है, दूसरा रीजन हम कंपेयर करें तो वो ऐसा होता है, फिर वो यहाँ से उठता है कुछ ऐसे, ये दूसरा रीजन, दूसरे रीजन में हमारा डिफरेंस है, किसकी वजह से? लैटिस स्कैटरिंग की वजह से, ये है लैटिस स्कैटरिंग, लैटिस स्कैटरिंग की वजह से। आगे देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, सो जिन थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल पॉइंट की बात करी थी उनको देखते हैं। एट सबसे पहले देखते हैं T इज इक्वल टू जीरो केल्विन, जो हमारा फ्रीज आउट पॉइंट है, कैरियर कंसंट्रेशन आर जीरो एंड हेंस सिग्मा इज इक्वल टू जीरो एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वर्क्स एज एन इंसुलेटर। ओके, एट जीरो केल्विन से टी वन तक, ठीक है, जिसको आप विजुलाइज अगर कर पाएं तो कुछ ऐसा, जीरो केल्विन से टी वन तक, ये पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन। तो जीरो केल्विन से टी वन बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन कंडक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड रीचेज टू इट्स पीक वैल्यू, अपनी पीक वैल्यू तक चला जाएगा जब कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है उस पॉइंट पे। उसके बाद टी वन से लेके टी सी तक, ठीक है, जो बीच वाला है, जो एक्सट्रिंसिक रीजन लिखा भी है, मेजोरिटी, इसमें तीन चीज़ें होंगी, मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पूरी तरह टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा आपका मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, और आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर घटेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है, मोबिलिटी घटेगी, हैं मोबिलिटी घटेगी ओवरऑल, तो कंडक्टिविटी भी घटेगी, तो इसी वजह से ये हमारा इस रीजन में ये नीचे को जा रहा है। आगे बात करते हैं ये तीन पॉइंट, एट टी इज इक्वल टू टी सी क्यूरी टेम्परेचर पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ओके, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बन जाएंगे एंड हेंस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम्स इंट्रिंसिक, इस वजह से यहाँ पे हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक बन जाएगा। एट दिस पॉइंट कंडक्टिविटी इज मिनिमम बट स्लाइटली ग्रेटर देन सिग्मा आई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका नॉर्मल केस का कंडक्टिविटी होता है ना इंट्रिंसिक का सिग्मा आई, उससे हल्का सा ज़्यादा होगा आपका सिग्मा मिनिमम एक्सट्रिंसिक, सिग्मा मिनिमम एक्सट्रिंसिक इज स्लाइटली ग्रेटर देन सिग्मा आई। और पॉइंट क्या कह रहा है, एट टी इज ग्रेटर देन टी सी सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक एंड हेंस इट्स कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो वही वाला पॉइंट जो ग्राफ में शो हो रहा है, तो उसी ग्राफ को हमने डिटेल में यहाँ किया है, ये इंट्रिंसिक रीजन है तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी इसकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, उसके बाद आगे चलेंगे, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर, सिविल सर्विसेज एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ऑन विच कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो अ सेमीकंडक्टर इज मेड ऑफ एन टाइप जर्मेनियम, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप जर्मेनियम, कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो डेटा क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ जर्मेनियम दी है हमको, एटॉमिक वेट ऑफ जर्मेनियम दिया है, चार्ज ऑफ इन इलेक्ट्रॉन दिया है, मोबिलिटी ऑफ होल्स दी है म्यू एन। ओके, ये तो क्यू तो हमको पता ही होता है, एटॉमिक वेट ऑफ जर्मेनियम है अलग चीज़। ओके, जर्मेनियम का वेट और डेंसिटी म्यू पी। अज्यूम वन डोनर एटम इन ईच 10^8 ऑफ, ठीक है, 1 × 10^8 ऑफ जर्मेनियम, वन डोनर एटम,
इस तरीके से हमको करना है, ये डोनर एटम है, वन डोनर एटम, ये गिवन चीजें हैं। हमको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, सिर्फ अगर इसकी बात करें, अब चलो पूरा लिख लेते हैं, सिर्फ हम अगर बात कर रहे हैं एन टाइप की, तो वी कैन इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि पी इज लेस देन एन, तो हम और एन हमारा क्या हो जाएगा, एन डी क्यू म्यू एन सिग्मा, अगर हम नेगलेक्ट करते हुए चल रहे हैं तो उस केस में, नॉर्मली नहीं। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो हमने निकाल ही लिया था कि सिग्मा हमारा जो होगा एन डी इक्वलेंट टू क्यू इंटू म्यू एन, एन डी लिखो या एन लिखो, डेंसिटी हमको गिवन है, वी हैव क्या क्या गिवन है, नंबर वन डेंसिटी, नंबर टू एटॉमिक वेट। अब आप सोचेंगे कि इनका क्या यूज़ है, अब इनका ये यूज़ है कि आपको एन डी तो गिवन ही नहीं है, और एन डी आप, एन डी के लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं है, एन डी आप कैसे निकालेंगे, एन डी बोलो या एन बोलो, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए ही हमें ये चीज़ दी है। अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि कॉन्सेप्ट लगेगा अवोगैड्रोस लॉ या अवोगैड्रो नंबर वाला। एटॉमिक वेट ये है, ये किलो मोल में था, के मोल मतलब किलो मोल, तो इसको हमने अपॉन 10/3 मोल कर दिया। ओके, किलोग्राम पर किलो मोल। तो लेट अस अज्यूम दैट एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल जर्मेनियम एटम्स पहले हम निकालेंगे, हमको ये गिवन है, क्या गिवन है कि वन इन वन 10^8 जर्मेनियम एटम में डोनर एटम है, मतलब 10^8 जर्मेनियम एटम होगा तो एक डोनर एटम होगा। तो अगर टोटल जर्मेनियम एटम पता चल जाए तो हमें डोनर एटम भी पता चल जाएंगे। तो ये जो कैपिटल एन है ये जर्मेनियम के लिए है, तो हमारा लॉ क्या कहता है, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन ए रो अपॉन ए, ये रो हमारा ये डेंसिटी है, ए इज एटॉमिक नंबर और एन ए है अवोगैड्रोस नंबर, 6.023 इंटू 10^23। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी, तो हमको एन की वैल्यू कुछ निकल के आई ऐसी, ये हमको एन की वैल्यू निकल के आई, एन की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये था स्टेप वन, एन की वैल्यू कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये तीनों हमको गिवन है वैल्यूज, हमने साथ के साथ यूनिट्स लिखी तो हमको यूनिट्स मिली कट के सब कुछ, एटम्स पर मीटर क्यूब, मतलब वही पर यूनिट वॉल्यूम में हमें निकालना था नंबर ऑफ एटम, एकदम सही है। स्टेप टू कैलकुलेटिंग एन डी, तो 10^8 जर्मेनियम एटम के लिए एक एटम डोनर एटम था, वन जर्मेनियम एटम के लिए 1/10^8 डोनर एटम होगा, मतलब ये तो समझ में आ रहा है, ऑब्वियस ही बात है। तो 4.41 × 10^28 जर्मेनियम एटम के लिए कितने डोनर एटम होंगे, तो ये आंसर आया, ऊपर 28 है नीचे 8 है, तो 10^20 ये आंसर आया। अब ये आंसर आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इसको हमने रखा, हमने चार्ज को रखा और हमने मोबिलिटी को रखा जो हमें गिवन थी, और सारा का सारा ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, सब कुछ मीटर में चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसको हमने मीटर क्यूब में ही पर मीटर क्यूब में निकाला है, मीटर में चल रहा है, तो आंसर ओम मीटर इन्वर्स आएगा। तो कंडक्टिविटी हमारी 26.81 आई। सो नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, द डिपेंडेंस ऑफ, हमने लास्ट में देखा था जस्ट इसके पहले ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं इसको। द डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सेमीकंडक्टर इज शोन इन फिगर। तो हमको ग्राफ दिया गया है किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक सेमीकंडक्टर का। द सेमीकंडक्टर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ एन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन भी हमको दिया है, एन की वैल्यू दी है एंड क्यू की वैल्यू दी है, क्यू तो ऑब्वियसली बात है पता ही है। इफ अ बायस ऑफ या वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस 1 μm रीजन, मतलब कुछ इस तरीके का हमारा सेमीकंडक्टर बार है जिसपे कि हमने ये कितना है 1 μm या फिर 10^-6 मीटर, ये 10^-6 मीटर या फिर 10^-4 cm। तो ये लेंथ है, ये हमारा वोल्टेज है 5 वोल्ट, ये इंफॉर्मेशन है। रीजन ऑफ द सेमीकंडक्टर द रिजल्टिंग करंट डेंसिटी, मतलब जे, जे हमसे पूछा है इन किलो एम्पियर पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, जो किलो है इसको नहीं भूल जाना है, आंसर देते समय ये किलो एम्पियर याद रखना है, और हमको निकालना क्या है, हमको जे निकालना है। ओके, इस ग्राफ से क्या मदद मिलेगी वो देखते हैं।
सॉल्व करना शुरू करते हैं। जे इजकल टू सिग्मा ई, जे इजकल टू सिग्मा ई लिखा हमने फॉर्मूला। अब ई हम निकाल सकते हैं वी वाई एल से, वी बी गिवेन है हमको, एल बी गिवेन है सेंटीमीटर में, तो 50 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, और म्यू एन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू एन इस ग्राफ के स्लोप के इक्वल होगा। ये बी डी और ई के बीच में ग्राफ है, तो म्यू इसके म्यू एन जो होगा इसके स्लोप के इक्वल होगा। इस ये पहला जो रीजन है लीनियर रीजन है, तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लीनियर रीजन क्या होगा आपका, वाई वन माइनस वाई जीरो, मतलब कि ये पॉइंट माइनस जीरो अपॉन ये पॉइंट माइनस जीरो, इस हिसाब से आप निकाल लेंगे। तो टेन के पास सेवन माइनस जीरो, फाइव इंटू टेन के पास फाइव माइनस जीरो, आंसर आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड आपका म्यू एन। अब फिर आप अप्लाई कर दोगे जे इक्वल टू सिग्मा ई में, सिग्मा की वैल्यू एन क्यू इंटू म्यू एन इंटू ई, तो एन की वैल्यू आपका, क्यू की वैल्यू आपका, म्यू एन की वैल्यू और आपका ई की वैल्यू। अब आपको किलो में आंसर देना है, तो आप चाहें तो इसको आप किलो एम्पियर ही लिखा रहने थे, सॉरी इसको जो आपने 50 निकाला था किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको 50 रखें, तो आंसर आपको एक किलो एम्पियर में मिलेगा। तो ये सॉल्व करने पे आंसर आया 1.6। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको डिनोट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी भी यूज होगा, तो एनर्जी के लिए ई लिखा है कैपिटल ई, और ये कुछ एप्सिलॉन जैसा। तो लेट अस सपोज एक सेमीकंडक्टर बार लेते हैं एन टाइप, तो उसमें हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, ये क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसका एनर्जी बेड डायग्राम बनाएंगे जो कि एक फ्लैट कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से, ई सी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है पर अभी कंडक्शन नहीं कर रहे, जस्ट वहीं पे बैठे हुए हैं, ई एफ आपका ई आई बीच में मिडिल में, ई वी और ये ई एफ, ई एफ आपका कुछ ये होगा क्योंकि ये एन टाइप है। ओके, पी टाइप होता तो आपका यहाँ पे ई एफ होता, इस जगह ई एफ होता। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, क्यू इंटू वी माइनस क्यू इंटू वी, वी इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये बेसिक बेसिक चीज हमने पकड़ी है, अब इसको यूज करेंगे आगे। अब पहले देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स के इक्वल होता है, बट एनर्जी हमारा माइनस क्यू इंटू वी, या फिर वी जो है वो हमारा माइनस ई वाई क्यू है, ई क्या है, एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ वी, तो वी क्या है, माइनस वन बाई क्यू इंटू ई, तो वन बाई क्यू बाहर, माइनस माइनस कैंसिल, डी वाई डी एक्स। पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई जो है वो है ई सी, एनर्जी लेवल है जो वो ई सी है। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाई क्यू डी ई सी अपॉन डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नॉन जीरो स्लोप ऑफ कंडक्शन बैंड एज डिनोट्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेमीकंडक्टर, तो इसका स्लोप क्या है, नॉन जीरो है, इसका मतलब है स्लोप नॉन जीरो है, मतलब कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब ये हमने पर्टिकुलर बात करी है इस केस के लिए, ये जो नॉन जीरो स्लोप वाला बना हुआ है, मतलब यहाँ पे कनेक्शन चालू है, या इस कह सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, वी आर अप्लाइंग वोल्टेज, ये कहना चाह रहा है कि वी आर अप्लाइंग वोल्टेज, और जीरो स्लोप का मतलब है नो वोल्टेज, तो यहां पे लिख भी देते हैं जीरो स्लोप, जो कि हमको यहां दिख रहा है, जो कि फ्लैट के रूप में दिख रहा है, फ्लैट कर्व के रूप में। ओके, क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई, E इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वन बाई क्यू डी सी बाई डी एक्स। अब हम देखेंगे कुछ एनर्जी बैंड डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। केस वन, ठीक है, नो वोल्टेज वाला केस है, कोई कनेक्शन नहीं है। केस टू, ये केस है एन टाइप है, हमने वोल्टेज लगाया, ये प्लस में है, ये माइनस है। अब हमने जो केस थ्री है उसमें हमने क्या किया है कि पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पोलरिटी रिवर्स। और उसके बाद हमने सेम तीन केस लिए हैं पी टाइप के लिए। ओके, एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, एनर्जी डायग्राम जो भी बनाते हैं, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बनाते हैं फॉर बोथ पी टाइप एंड एन टाइप। ओके, सेमीकंडक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी हम एनर्जी बैंड डायग्राम ये बना रहे हैं, या यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विद रेस्पेक्ट, मतलब बैंड डायग्राम ओनली इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन है, होल के रेस्पेक्ट में हम पूरे ईबीसी में नहीं बनाते,
तो जहाँ भी आपको एनर्जी बैंड डायग्राम दिखेगा, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन के लिए बना हुआ है। ओके, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अब इन डायग्राम्स को समझते हैं। तो पहला वाला तो बेसिक है, पहले वाला में तो कुछ है नहीं ऐसा। ओके, आपका प्लेट बेड डायग्राम है, कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो आपका स्लोप है जीरो, जीरो स्लोप है। और जीरो स्लोप है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये है 1/Q dE/dx, मतलब ईसी जो है वो आपका उसका कुछ स्लोप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, dEC/dx, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जीरो वोल्टेज, मतलब देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ये लेंथ कुछ भी होगी इसकी, जीरो से एल तक लेंथ होगी, तो जीरो पे यहाँ जीरो वोल्ट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्यू इंटू जीरो इज जीरो। यहाँ पे आपका वोल्टेज वी नॉट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्यू इंटू वी नॉट क्यू वी नॉट। तो जीरो पे तो आपका ये एकदम इसी इसी पे होगा एनर्जी बेड डायग्राम, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके पास स्लोप है, तो ये ऐसे लाइन स्लेंटेड होती जाएगी, और ईसी आपका यहाँ पे है, इस पे वी नॉट पे, जहाँ कुछ वैल्यू है। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो डिफरेंस है ये आपका क्या है, क्यू वी नॉट है। ये जो डिफरेंस है कि क्यू वी नॉट है, वही डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। ओके, तो हर आपका ईसी ईएफ ईआई ईवी सब कुछ आपका ऐसे झुका हुआ है। सेम हमने क्या किया, पोलरिटी को रिवर्स कर दिया। अब पोलरिटी को रिवर्स कर दिया मतलब नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है आपका, तो आपका ब्लड बदल जाएगा आपका डायग्राम। क्यों? क्योंकि जीरो वोल्ट अब इधर होगा, तो आपका यहाँ से शुरू होगा ईसी, और इधर को स्लोप आपका गिरेगा। ओके, तो ईसी ईएफ ईआई ईवी सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्लोप है। तो आपको ये देखना है कि आपका जीरो से शुरू होकर नीचे जाएगा, हमेशा जीरो वोल्ट वाली लाइन से शुरू होगा। आपका जो पॉइंट ईसी होगा इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वो जीरो वोल्ट पे मैच करेगा। ये यहाँ मैच कर रहा है, मतलब मर्ज हो रहा है जीरो वोल्ट पे, ईसी यहाँ पे नीचे हो रहा है। ओके, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो ये जीरो वोल्ट याद रखेंगे, उससे पोलरिटी पता, और जीरो वोल्ट किधर होता है, प्लस की तरफ होता है, ये याद रखेंगे। सिमिलरली पी टाइप में देखते हैं, तो पी टाइप में देखेंगे, देखो पहला केस तो कुछ है ही नहीं, पहला केस तो मतलब वही केस है नो स्लोप वाला। पी टाइप में हमने ये लगाया, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस इधर होने का मतलब है, सॉरी एक बड़ी मिस्टेक हो गई, ये जो वोल्टेज बोला था, तो ये वोल्टेज प्लस की तरफ आपका क्यू वी नॉट होगा, तो इसकी पोलरिटी को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। आपका ये क्यू वी नॉट इधर है, तो आपका ये प्लस इधर है, ये माइनस है, ये प्लस है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, आपका जीरो इधर दिखा रहा है, तो माइनस इधर होगा। हाँ, तो मतलब वही ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो प्लस होता है वो वहीं पे होता है, जीरो जहां है वहां तो जीरो है। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। तो सेम चीज अब हम अप्लाई करेंगे पी टाइप में। ये आपका प्लस है, इधर आपका प्लस है, तो प्लस पे आपका वोल्टेज होगा, और जीरो वाले साइड से आपका ईसी चलना शुरू होगा। ओके, कुछ भी याद नहीं, मतलब सोचना नहीं है आपको, ये देखना जीरो आपका किधर होगा, जीरो होगा इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव पोलरिटी इधर है, तो जीरो इधर होगा। तो मतलब यहाँ पे ये अगर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से ये नीचे जाना शुरू होगा कुछ इस तरीके से। तो फिर सारा आपका पैरेलली ही नीचे जाता है, ई सी ई आई ई एफ ई वी। अब ये पी टाइप है, इसलिए ई एफ जो वो होगा वो ई वी के पास होगा, बस ये एक मेजर डिफरेंस है। अब पी टाइप में अगर पोलरिटी चेंज कर देते हैं, पोलरिटी चेंज कर दी मतलब प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो माइनस वाली साइड में ई सी यहाँ से नीचे जाएगा। ओके, यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, सब कुछ इसी के पैरेलल नीचे जाएगा, और ई एफ जो होगा वो ई बी के पास होगा। तो इतना सा डिफरेंस है बस। तो ये जो पॉइंट था कि आपका जहाँ पे आपकी पोलरिटी प्लस होगी, जहाँ से वो कनेक्ट हो रही होगी, तो उसको हम क्यू वी नॉट लेंगे पोटेंशियल वहाँ का, और जहाँ आपका नेगेटिव पोलरिटी है वहाँ से ग्राफ शुरू होता है। तो आपका मेन क्या है कि नेगेटिव पोलरिटी से ग्राफ शुरू होता है। तो यहाँ हम अगर लिखें नेगेटिव पोलरिटी वाली साइड से ग्राफ शुरू होता है,
ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं गेट 2021 का, 2021 जस्ट इसी साल का। द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ पी टाइप, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ लेंथ एल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन एट द फर्मी लेवल इज कॉन्स्टेंट, मतलब सच दैट फर्मी लेवल हमने कॉन्स्टेंट मानी है, इट्स शोन इन द फिगर, फिगर में दिखाया गया है। तो पहले इसी को देखते हैं, फिगर को। ये आपका दिया हुआ है, ये एक्स इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू एल, ये आपका जीरो से एल तक आपका ये पी टाइप, ये आपका ई एफ, ये आपका ई वी, जीरो एल, आपका ई एफ कॉन्स्टेंट है, ई वी आपको दिखाया गया इस तरीके से कुछ, ये ऐसे बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, जीरो देखते ही ये समझ आना है कि आपका इस तरीके से आपका, सॉरी, पोलरिटी होगा। ओके, तो आपका नेगेटिव पोलरिटी मतलब जीरो, जीरो वाली साइड से आपका ग्राफ शुरू होता है, बस इतना याद रखना है। तो ये चीज समझ में आई। इसका स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप तो यूज होगा ईवी का। ईवी का स्लोप क्या है, वाई एक्सिस पे आपका डेल्टा माइनस जीरो, यहाँ पे ऊपर डेल्टा है इस पॉइंट पे, यहाँ जीरो है, तो डेल्टा माइनस जीरो, और एक्स एक्सिस पे आपका एल माइनस जीरो, तो डेल्टा वाई एल या फिर डी ई वी वाई डी एक्स हमारा निकल के आया। ओके, आगे पढ़ते हैं। द वैलेंस बैंड ईवी इस स्लोप सिंस डोपिंग इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है इसलिए स्लोप है अलोंग द बार। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स इज द ऑफ द वैलेंस बैंड एट द टू एजेस ऑफ द बार इज डेल्टा, और एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो दोनों एज पे है वो डेल्टा है। तो ये तो सब गिवन वाली कंडीशन थी इसमें। ओके, यहाँ आते हैं। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्यू, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एप्साइलन, तो 1/Q और आपका स्लोप, तो आपका मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द सेमीकंडक्टर बार क्या होगी, ये निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहले इसी को आंसर को देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो 1/Q डी ई वी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे ई वी है तो ई वी को लेंगे, तो आपका 1/Q इंटू आपका स्लोप डेल्टा वाई एल, तो डेल्टा वाई क्यू एल, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या है, डेल्टा वाई क्यू एल, ऑप्शन ए इज द आंसर। 2021 का क्वेश्चन था ये। तो जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा था ये वाला, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे, ये जो पढ़ा था ये, और वोल्टेज की पोलरिटी का ऐसा कोई खास काम नहीं था। वोल्टेज की पोलरिटी मतलब नेगेटिव पोलरिटी वाली साइड से आपका ग्राफ शुरू होता है। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये लगा 1/Q डी ई सी वाई डी एक्स, या फिर डी ई वी वाई डी एक्स, या फिर डी ई आई वाई डी एक्स, ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है, लास्ट पॉइंट है लेक्चर का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में एक बात है कि वो इन तीन तीनों के इक्वल होती है, 1/Q डी ई सी वाई डी एक्स बोलो आप, ओके, या डी ई वी वाई डी एक्स बोलो, या फिर डी ई आई वाई डी एक्स बोलो, बिकॉज टू मेंटेन बैंड गैप इजी सेम थ्रू आउट द डायग्राम ई सी ई वी एंड ई आई आर पैरेलल टू ईच अदर। ये चीज क्या दिखा रही है कि तीनों पैरेलल है, पैरेलल है, तो उससे हमें क्या समझ में आता है, उससे हमें ये समझ में आता है, पहले वाले फिगर को ही देखते हैं, पहले फिगर को लेते हैं, उस समय ये समझ में आता है कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है और इसकी जो हाइट है, हाँ, हाइट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे ऐसा लग नहीं रहा है, बिकॉज हम अगर बोलें कि ये जो ई एफ है हम इसको कहाँ से देखें, नीचे से देखेंगे तो हाइट इसकी और इसकी ई सी की ज़्यादा ही है ई एफ से, तो हाइट वाली बात नहीं है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है एवरी पॉइंट में, मतलब वही बात है कि पैरेलल है। इसका मतलब है, इसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्लोप आपका इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि तीनों इक्वल है, कि तीनों का स्लोप ऑल थ्री एफ सेम स्लोप, सेम स्लोप, क्यों आपका 1/Q 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 तो आप हटा दोगे, तो तीनों इक्वल होने का मतलब कि तीनों का स्लोप इक्वल है, और स्लोप इक्वल है मतलब वही है कि तीनों पैरेलल हैं, एंड हेंस दे विल हैव सेम स्लोप, तो वही वाली बात भी हुई है। तो यहीं पे ये लेक्चर खत्म होता है।